खबर टोंक के मालपुरा से है, जहां पर राम रसोई परिवार की ओर से जरूरतमंद लोगों को निशुल्क भोजन उपलब्ध कराया जा रहा है। साथ ही समिति की ओर से घरों और गलियों को सैनिटाइज करने का काम भी किया जा रहा है। इसके अलावा बेजुबान पशु पक्षियों के लिए भी चारा पानी की व्यवस्था की जा रही है। खबर पाली के सुमेरपुर से है, जहां पर सांसद पीपी चौधरी और विधायक जोराराम कुमावत ने कोरोना वॉरियर्स का स्वागत सम्मान किया। इस दौरान पुलिस कर्मियों को छाते भेंट किए गए। लॉकडाउन जिला मीडिया प्रभारी गिरीश अग्रवाल ने बताया कि सोशल डिस्टेंस का पालन करते हुए पुलिस कर्मियों का बहुमान किया गया। सांसद चौधरी ने पुलिस कर्मियों की सराहना कर हौसला अफजाई की तो विधायक ने प्रशासन के प्रयासों समेत क्वारंटाइन आइसोलेशन सेंटर और स्क्रीनिंग की जानकारी दी। इस मौके पर भाजपा जिला अध्यक्ष मनसाराम परमार, पालिका अध्यक्ष उषा कुंवर राठौड़ और भाजपा नगर अध्यक्ष महेंद्र माली समेत कई लोग मौजूद रहे। पाली के सुमेरपुर कस्बे के गांव कोसेलाव जरूरतमंद परिवारों के लिए सेवा समिति की ओर से 28 मार्च को रसोई शुरू की थी, जहां सुबह शाम भोजन की व्यवस्था की जा रही है। सेवा समिति की इस पहल को प्रवासियों का योगदान भी मिल रहा है। वहीं गांव के अलावा बाबा गांव, दोलपुरा, खिमाड़ा, बसंत गांव में भी निःशुल्क टिफिन दिए जा रहे हैं। सेवा समिति के संचालक ने बताया कि लॉकडाउन 3 मई को खत्म होगा, तब तक रसोई चलाएंगे। ये लगा कि इन गरीबों का क्या होगा, एकदम बंद है और हर तरह से वो बिल्कुल विचलित हो गए। तो ये प्रेरणा मैंने मेरे युवा कार्यकर्ताओं को, भरत को, सबको बुलाया, युवा कार्यकर्ताओं की हमने 100 लोगों की मीटिंग की। सब ने कहा कि भाई साहब आप जो करते हैं वो हमें मंजूर है, हम सब आपके साथ हैं। तो हमने 28 मार्च को ये भोजनशाला शुरू की और ये बजट बनते ही हमारा जो काम शुरू हुआ, पहले दिन ही हमारे पास 300-400 लोग आए, 400 सुबह आए ना 400 शाम को आए। उसके बाद दूसरे दिन पता लगा तो 400 से सीधा 800 हो गए। उसके बाद में एक हफ्ते के बाद रफ्तार ये पकड़ी कि 1200-1300 एक टाइम के लोग हुए, 250 से 350 ट्रिपन जाते हैं। कितने लोगों खाने लगा दियो? 10। कहाँ रहते हो? बागरी के पीछे। सुबह शाम मिलता है या एक तरफ मिलता? सुबह शाम। कितने आपके परिवार में? 10। बराबर खाना मिलता है? हाँ। कितने दिनों से मिल रहा है ये? एक महीना हो गया। कौन दे रहे हैं आपको ये खाना? हनुमान भाटी सर। ये 28 मार्च को शुरू हुआ था, आज दिन तक 2,500 टिफिन जाते रेगुलर यहाँ से बाबा गांव, दौलपुरा, पिछावा, लापुद हॉस्पिटल, जो भी ग्रासी है इधर सब एक एक को टिफिन पहुँचाते हैं। हम रात को भाटी जी का 12 बजे भी कॉल आता है कि वहाँ 2 टिफिन देना हो तो वहाँ देने जाते हैं। हॉस्पिटल का भी कॉल आता है कि यहाँ टिफिन देना हो। स्कूल से भी टीचर का कॉल आता है कि यहाँ भी टिफिन पहुँचाओ, तो हम तुरंत वहाँ टिफिन पहुँचाते हैं। और ये रजिस्टर जो 1 नंबर से 17 वार्ड है पूरा सर, और 18 अन्य का है। जितने भी मेंबर इसमें खड़े हैं बिना रजिस्टर में देख के बताता हूँ कितने मेंबर है, कौन सी वार्ड का मेंबर है। सुबह शाम दोनों टाइम का टिफिन क्या समय रहता? समय सुबह 9:30 से 11:30, शाम को 4:30 से 4:30।